खरगोन जिला अस्पताल में शासन की मंशा अनुरूप लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इस बात का पता तब चला जब एक विशेष समुदाय ने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल मामला खरगोन अस्पताल का है, जहां गत दिनों ग्राम घोटिया के निवासी सावन पाटीदार की पत्नी पूजा को डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, जहां इलाज के अभाव में नवजात की मृत्यु हो गई, जिसके विरोध में पाटीदार समाज ने अस्पताल परिसर में ड्यूटी पर पदस्थ स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्यवाही को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान समाज ने बताया कि घटना में लिप्त मौके पर मौजूद कर्मचारी और संबंधित अधिकारियों पर निलंबन की कार्यवाही होगी, तभी धरने सटेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आज जो हम धरना प्रदर्शन करने शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, इसका एक मेन कारण था सावन पाटीदार जो घोटिया के निवासी हैं, वो उसकी पत्नी को लेकर के यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आया था। पूजा पाटीदार नाम उसका है। जब आया शाम को पेट दर्द कर रहा था, वो बार बार वहाँ जो उपस्थित मैडम थी उनको बोल रहा था कि मैडम मेरी जो मिसेज का पेट दर्द कर रहा है, वो घबरा रही है, आप उसका सीजर कर दीजिए। उसके बावजूद भी रात के 12 बजे तक भी स्थिति वैसी की वैसी रही। रात के 12 बजे बाद उन्होंने जो डॉक्टर 9 महीने से पहले से डॉक्टर बड़ोले के पास मैन बड़ोले का इलाज चला था, बड़ोले जी को हर महीने वो उस इलाज के पैसे भी दे रहे, मतलब उसकी जो शुल्क वो भी देता था। मैन जी को फ़ोन लगाया कि बड़ोले जी आप आ जाइए, 12 बज चुकी है, शाम मतलब शाम 6 बजे से रात के 12 बजे है, मेरे जो घरवाली है उसको डिलीवरी नहीं हो रही है, अतः आप आ जाइए। तो डॉक्टर कहते हैं जो 9 महीने से उस पेशेंट पूजा पाटीदार को देख रहे थे, उनका बोलना है कि मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ और ये मेरा काम नहीं है। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। उसके बावजूद भी सुबह सुबह तक भी वो रोता भी लगता रहा, दवाखाने में इस दौर से उस दौर तक दौड़ता रहा। आखिर यही हुआ कि सुबह सुबह 6 बजे उसका सीजर हुआ, और सीजर होते ही उसका बच्चा मृत पाया गया। यदि समय पे उसका सीजर हो जाता तो आज जो बच्चा मृत हुआ था वो जीवित रहता। हम ये चाहते हैं कि जिन जिन डॉक्टरों ने लापरवाही की है, और जो डॉक्टर पहले से भी बहुत सारे लोग यहाँ कहते हैं कि लापरवाही होती है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनका सस्पेंड होना चाहिए, इसलिए हम धरना दे रहे हैं। अभी मौके पे CHO मैडम भी पहुंची, मुलाकात भी किया आपने, क्या क्या आश्वासन मिला आपको? मैडम कह रहे मैं लेटर बना के ला रही हूँ, उनके सस्पेंडन आर्डर बना के ला रहा हूँ, आपको एक घंटे में दे रहे हूँ, इसलिए हम धरने में बैठे हैं। जब तक मैडम नहीं आएंगे हम वहीं तक बैठे रहेंगे। क्या नाम है आपका? नाथूलाल पाटीदार, मध्य प्रदेश पाटीदार समाज जिला अध्यक्ष खरगोन। उसके बाद में प्रदर्शन भी कर रहे हैं, यहाँ धरना दे रहे हैं, आप भी यहाँ पहुँचे हैं, किस प्रकार की कार्रवाई हो? किसकी लापरवाही नजर आ रही है? अब जो भी अभी इस समय जो थे सिविल सर्जन से मैं प्रस्ताव मांग रही हूँ, जो भी जिम्मेदार है उसके नाम को दे दें मुझे, और उसके बाद हम इसकी जब कार्रवाई करेंगे, जांच की जाएगी, तब उसके बाद बता पाएंगे। परिजनों का आरोप है कि यहाँ पर अस्पताल में पैसे भी मांगे जाते हैं और बार बार परेशान भी किए। हाँ, बिल्कुल, इसके लिए मैंने यही कहा कि जांच करवाई जाएगी, तब उन्होंने इसमें पैसे मांगे जाते हैं, उनके प्रति भी कार्रवाई की जाएगी, और जो भी नाम प्रस्तावित करते हैं कि कौन मांगा है, मैम जांच के आश्वासन कई बार मिले? नहीं, आप बिल्कुल आपकी बात हम मानते हैं, नहीं होगी जांच, होगी कार्रवाई भी होगी, और सर ऐसा नहीं होगी कार्रवाई नहीं होगी, बिल्कुल होती है। उसकी जाँच यहाँ नहीं हो रही है, CBC की जाँच यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ पे आईसीयू में बंद है, आपका संजीव खाजन राजेंद्र जोशी मीडिया से भागते हैं, बोलते नहीं, भगा देते हैं मीडिया को, या खुद भाग जाते हैं। जब उनसे इन संबंधों पर बात की जाती है, अस्पताल में जो लापरवाही परेशानियाँ हो रही हैं उसको लेकर के, तो भागते क्यों हैं? अभी आपके सामने एक पेशेंट पैदल आया अंदर, उसको क्या नहीं है, कुछ भी नहीं लाई गई उसके द्वारा, फिर आप क्या आपके होते हुए अब भी अब क्या आपका अब आप क्या कहेंगे? उसका क्या करोगे? मैम पूर्व में भी कई शिकायत, उसका निराकरण आज तक नहीं हुआ। शिकायत आज जो आई है, शिकायत अभी आई है, शिकायत किया जाएगा।
मैडम आए दिन लापरवाही देखने को मिलती है, ध्यान भी नहीं दिया जाता है, मरीज बहुत परेशान है। किया जाएगा इसमें अभी तक हम लोगों का था जैसे कोविड में लगा हुआ था, हम बिल्कुल इसके लिए ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं समय समय पर हम लोग मैटरनल डेथ का भी ऑडिट करते हैं, बच्चे की भी डेथ होती है हम लोग उसका भी ऑडिट किया जाता है, इवन स्टेट से भी उसका ऑडिट किया जाता है, और बिल्कुल स्टेट से भी कार्रवाई होती है, जिला स्तर पर भी इसकी कार्रवाई की जाती है, जो भी जिम्मेदार है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।